ऋषिकेश से रायवाला के बीच 33 केवी की ओपन विद्युत लाइन को कवर्ड कंडक्टर में तब्दील करने का कार्य लगभग पूरा होने वाला है। इस कार्य के पूरा होते ही रायवाला विद्युत सब स्टेशन से जुड़े ग्राम पंचायत प्रतीत नगर रायवाला गौरी माफी और खांड गांव के ग्रामीणों को अब बड़ी राहत मिलने जा रही है। बता दें कि ऋषिकेश से रायवाला विद्युत सब स्टेशन को आने वाली 33 केवी की विद्युत लाइन राजाजी टाइगर रिजर्व के जंगल से होकर गुजरती है, जिससे वन्य जीवों को करंट लगने का खतरा भी बना रहता था। इसके अलावा बरसात के दौरान बार बार बिजली गुल होने की समस्या बनी रहती थी। अब इसी विषय को लेकर ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता शक्ति प्रसाद ने बताया कि कवर्ड कंडक्टर का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और जल्द ही इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि रायवाला से सोंग नदी तक ट्रिपल एसी कवर्ड कंडक्टर का कार्य किया जाना है और करीब 15 किलोमीटर तक 33 केवी विद्युत लाइन को कवर्ड किया जाएगा, जिससे कि इस लाइन के नीचे बसे लोग सुरक्षित हो जाएं। ऋषिकेश से महेश पवार की रिपोर्ट। कार्य कर रहा है, ये कर रहे हैं 33 अवेलेबल केवी सबस्टेशन रायवाला से और फर्स्ट फेज में सोंग नदी तक। इस पर हम क्या कर रहे हैं, ट्रिपल एसी कवर्ड कंडक्टर डाल रहे हैं 33 केवी का। इससे हमारे जो मुख्य लाभ है, एक तो एक्सीडेंट प्रोन एरिया में जो है ये समाप्त हो जाएगा। दूसरी चीज जैसा ये है कि वाइल्ड लाइफ वाला जो इशू रहता है उसमें भी ये सुरक्षित है। तीसरा ये है इंक्रीजिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टिविटी की बढ़ जाएगी। तो हमारा जो भी बिजली घर का जो भी लोड आएगा आने वाले 20-25 सालों का, इसमें जो भी लोड बढ़ेगा उसके हमने क्षमता वृद्धि कर दी कर ली। बेसिकली इसके फायदे हैं और ये बहुत बेहतरीन है और जब भी बरसात आने तो इसमें भी सुरक्षित प्रचालन होगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। कितने किलोमीटर लंबा होगा ये? लगभग 5 किलोमीटर है और 15 किलोमीटर कंडक्टर डल रहा है। अच्छा, भाई वाला बिजलीगढ़ से लेकर अभी इसका वाला दीता है, आगे भी इसका किया जाएगा। अच्छा, लागत क्या होगी सर इसका? लागत लगभग इसका है 2.45 करोड़ की। अच्छा।